यह नारेबाजी सोलन डाइट में वीरवार को जेबीटी प्रशिक्षकों द्वारा की गई, जिन्होंने सरकार के समक्ष यह मामला उठाया कि जेबीटी भर्ती के दौरान काउंसलिंग में बीएड डिग्री धारकों को भी तवज्जो दिया गया है, जो कि गलत है और जेबीटी प्रशिक्षकों के साथ यह नाइंसाफी है। ऐसे में वीरवार को डाइट सोलन में जेबीटी प्रशिक्षु धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि इस मामले का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अभी फैसला आना बाकी है। ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, इस काउंसलिंग का रिजल्ट जारी ना करे। हम यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, जो बीएड प्रशिक्षकों को अभी यहाँ पे काउंसलिंग हुई है, हमारी बीएड वालों को भी अलाउ किया गया, जबकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसका डिसीजन आना बाकी है। और फिर भी जो हाई कोर्ट ने भी उस पर स्टे लिया हुआ है, फिर भी जो टेट होना था उस पर भी स्टे लगा हुआ है, फिर किस यहाँ पे यहाँ पर जो हमारी काउंसलिंग हुई उसमें बीएड वालों को भी एलिजिबल कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में केस अभी पेंडिंग है और उसका नतीजा आना बाकी है। तो इस पर ही हम रोष प्रकट कर रहे हैं कि सरकार को हमारी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जब बीएड वालों को अलाउ करना है तो इसको बंद कर दो, संस्थान को क्यों चलवा रहे हैं फिर, हमारा जो बच्चों का शोषण क्यों किया जा रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करें और इस पे स्पेशल एक ज़रूरत है कि किस तरह से इसको निपटाए। और शिक्षा मंत्री जी से हमारा यही अनुरोध है कि हमारा जो मैटर है बहुत पुराना है और इसको निपटाए, और हमारा जो बेरोजगार जेबीटी प्रशिक्षु भाई है, हमारा जो भी जितने भी ईटीटी वालों को भी इसमें अलाउ कर दिया, सबको ये अलाउ कर दिया, तो हमारा क्या फ़ायदा डीएलएड करने का। और जो बैच वाइज भर्ती करवा रहे हैं उसमें बीएड का, जैसे हमने अभी पीछे देखा, अभी पिछले परसों ही यहाँ पर काउंसलिंग हुई है, तो उसमें जो बीएड का जो था वो चला है सन 2000 के इर्द गिर्द वाला बैच चला है, जबकि जेबीटी का 2011-12 चला हुआ। तो ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है और बैच पूरा पीछे चला जाएगा। और जो हमने यहाँ काउंसलिंग में देखा, 80% के करीब करीब यहाँ पर बीएड और दूसरे ईटीटी वाले थे, और जेबीटी वालों को तो मौका ही नहीं मिल रहा है जिस नाम से ये भर्तियाँ भरी जा रही है। हम यही कर रहे हैं कि अभी स्टे लो, जब सुप्रीम कोर्ट से जो भी ऑर्डर आता है हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, पर जब तक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता है, जो भी है बीएड के लिए फेवर में आता है, जेबीटी के फेवर में आता है, तब तक इस पे स्टे लगे और ये इसका रिजल्ट आउट ना हो।